जालौर एसीबी की पाली में बड़ी कार्रवाई है। पकड़ा गया है घुसखोर पटवारी, निकला है करोड़पति। घुसखोर पटवारी के घर से लाखों की नकदी मिली है, करीब 10.5 लाख रुपए की नकदी मिली। पाली में 2 प्लॉट और 2 मकानों के कागजात मिले। एसीबी ने सोना चांदी भी इनके पास से जब्त किया। आज एसीबी ने 30,000 की रिश्वत लेते हुए पटवारी को ट्रैप किया था। अब एसीबी आय से अधिक संपत्ति का भी मामला दर्ज कर सकती है। एसीबी एडिशनल एसपी महावीर सिंह ने कार्रवाई की थी। डीआईजी कैलाश चंद्र बिश्नोई के निर्देश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। तो जालौर एसीबी की पाली में यह बड़ी कार्रवाई है, जहां घुसखोर पटवारी को करोड़पति निकला है। घुसखोर पटवारी के घर से लाखों की नकदी मिली है, करीब 10.5 लाख रुपए नकदी मिली। पाली में 2 प्लॉट और 2 मकानों के कागजात मिले हैं। एसीबी ने सोना चांदी भी जब्त किया और आज एसीबी ने 30,000 की रिश्वत लेते हुए पटवारी को ट्रैप किया था। संवाददाता नवीन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। नवीन, बेहद अहम कार्रवाई को अंजाम दिया गया और ये चौंकाने वाली बात है। यहाँ तो सिर्फ रिश्वत की बात देखी जाती है, लेकिन ये घूसखोर पटवारी जो गिरफ्त में आया वो तो करोड़पति निकला, क्या कुछ और सामने आया कार्रवाई में? देखिए बिल्कुल, जब एसीबी की टीम ने जो पटवारी कमल किशोर को दलाल चीकूराम के साथ 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था, जब एसीबी की टीम पटवारी कमल किशोर के घर पहुंची तो एसीबी खुद चौंक गई। 10.5 लाख रुपए की एसीबी को नकदी मिली है। पाली में 2 प्लॉट और 2 मकानों के कागजात भी एसीबी को मिले हैं। एसीबी ने सोने चांदी के जवाहरात भी जब्त किए हैं और ये पूरी कार्रवाई एसीबी के जो एडिशनल एसपी हैं महावीर सिंह राणावत, उनके नेतृत्व में की गई है और डीआईजी कैलाश चंद्र बिश्नोई के निर्देश पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अब एसीबी इस पूरे मामले के अंदर आय से अधिक संपत्ति का भी मामला दर्ज कर सकती है। अब एसीबी की टीम जो आरोपी है पटवारी कमल किशोर से पूछताछ कर रही है कि आपके पास इतनी रकम कहां से आई, और इसका ये जवाब संतुष्ट नहीं दे पाए हैं। और एसीबी की टीम अभी फिलहाल इससे जो पटवारी है इससे पूछताछ कर रही है। और आपको बता दूं, एसीबी ने मौके से कुछ फाइलों को भी जब्त किया है। उन फाइलों के आधार पर एसीबी ये भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि ये घूसखोरी का काम है, ऐसे कौन कौन से लोग थे घूसखोरी का काम करते थे, ये जो रिश्वत की राशि योजने 30,000 रुपए की ली थी उसके अंदर बंटवारा किस किस का होना था, दलाल के मार्फत, दलाल का नाम चीकूराम है उसके मार्फत ये रिश्वत की राशि ले रहे थे। तो एसीबी ने ये कार्रवाई करते हुए जो दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जो पटवारी है कमल किशोर उससे एसीबी की टीम पूछ रही है। फिलहाल अभी एसीबी की टीम जो आरोपी है उसके घर पर ही मौजूद है, एक ज्वेलर्स को बुलाया है, उसे जो सोने चांदी की जो नापतोल है वो वहाँ की जा रही है और उसके बाद जो सोना चांदी कितने रुपए का है, कितने लाखों रुपए का है उसका अनुमान लग पाएगा। जी नवीन, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। जिस तरह से बड़ी और अहम कार्रवाई को अंजाम एसीबी ने दिया है, जालौर एसीबी की कार्रवाई पाली में हुई है जहाँ कामयाबी भी मिली और अभी क्योंकि कार्रवाई जारी है पूछताछ भी चल रही है और भी अहम खुलासे होने की उम्मीद है।